गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नूरी मस्जिद के पास फेसबुक पर किए गए पोस्ट के विवाद को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी। आनन फानन में पहुंची पुलिस आरोपियों को थाने पर ले आई और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध नजरिए से देख रही है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम को लगभग 6-7 अज्ञात मनबड़ लोगों के साथ एक बदमाश किस्म के युवक ने सोनू उर्फ टीपू निवासी अहमदनगर चकसा हुसैन नूरी मस्जिद पर फेसबुक पर हुए विवाद को लेकर गोली चला दिया। मोहल्ले वालों ने एक बदमाश को पकड़ लिया और बाकी भागने में कामयाब हो गए। लोगों ने बदमाश के पास से एक पिस्टल भी छीन लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। मौके पर सीओ गोरखनाथ परवीर कुमार सिंह और थाना प्रभारी गोरखनाथ पुलिस बल के साथ पहुंचे और पकड़े गए बदमाश को गोरखनाथ थाने पर ले गए और तफ्तीश शुरू कर दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। पैर और सब कुछ जुड़ के गुस्सा दो क्या वही है हमें जाओ देखो क्या बात बात करूँगा जैसे वहाँ पे गया बात करूँ तो बात कर दूंगा उन पर कौन सी जिंदा बेगम अख्तर जहाँ नाम है। मैं जब सुनी हल्ला दंगा तो मैं अपने घर से दौड़ते हुए इनके घर से करीब दूर मेरा घर है। जैसे बात ये हुआ है कि हमारे बहन के लड़के के मोबाइल पर उन्होंने कुछ कमेंट किया कल बात हुआ था वो तो ये पूछा कि ये बताओ हमारे मोबाइल पर कमेंट क्यों किया तो उसे पूछ कर कमेंट करेंगे क्या अभी फायरिंग हुई तो मोहल्ले वाले ने देखा करे गोली चली सब लोगों ने दौड़ाना शुरू किया। ये जाकर अपने रिश्तेदार के घर में छुप गया। उसके बाद फिर रिश्तेदार जब देखे कि हुजूम आ रही है पब्लिक की तो लोगों ने इसको बाहर ढकेल दिया। जब बाहर ढकेल दिया तो ये पकड़ के लड़का जब पिस्टल छीनने लगा तो देखिए इसको भट से मारा है और इसकी उंगली तोड़ दिया। ये घोड़ा गली का ये लोग बदनाम आदमी है और थाना घोड़ा गली से बहुत परेशान रहे। चीटर बहुत है ये और इसके जितने रिश्तेदार है घोड़ा गली में ये सब कोई बात होता है तो तुरंत ये लोग अपराधी किस्म के हैं। ये लोग एक हो जाते हैं लोग न पिस्टल देखते हैं न ये लोग चाकू देखते हैं तुरंत अपना काम करना शुरू कर देते। सोनू टीपू कल हमारे फेसबुक फोटो पे एक फ्रेंड है वो मेरा फ़ोटो शेयर किया था तो आज जिससे जो आज हमारे ऊपर गोली चलाया है वो मेरा दोस्त जो फ़ोटो शेयर किए थे उसको उल्टा सीधा कमेंट लिखा। तो आज हम और हमारे मामा जी रोज़ जाते हैं दुकान शाम को। हम लोग जैसे ही घर से निकले उधर से गाड़ी के सामने से कम से कम 3 बाइक से लोग आए और हमको बुलाने लगे तो हम उतर के गए अपने मामा जी से कहे मामा यही सब है उल्टा सीधा कमेंट। मामा कह गए जाओ देखो क्या बात है घर के सामने ही की बात है। तो उतर के हम गए वहाँ गए तो कह रहा है कि तुम बहुत बड़े गुंडा हो गए हो। हम क्यों भैया क्या गुंडा हो गए आप खुद मेरे फेसबुक पे उल्टा सीधा कमेंट लिख रहे हैं। कह रहा है लिखब का कही लेबा। हम कहे भैया कहाँ ऐसा बोल रहे हैं तो का कही ले रे भैया तो उल्टा सीधा आप शब्द बोले तो फिर हम भी बोले। उसके बाद निकाला पिस्टल और मेरे ऊपर गोली चलाने की कोशिश किया तो हम थोड़े डर गए। उसके बाद हम पकड़ने की कोशिश किए देखे मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया ये यहाँ पे चोट लगे छोड़ाए। तब तक एक बाहर झाड़ू लगा रहा था वो भी बेचारा आ गया। तब तक मामा जी हमारे आ गए वो सब तुरंत फरार हो गए। 3 एक आज़ाद ये घोड़ा गली कसाई बाड़ा ये नहीं मालूम हमको पर हमारा इससे ना कोई बात था आज तक ना कुछ था। तुरंत हमने पुलिस को सूचना दिया CO साहब को भी फ़ोन किए वहाँ सब कोई मौजूद हुए तुरंत जी हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद उसका पिस्टल भी हम लोग छीने वो तुरंत अपने रिश्तेदार के घर में घुस गया वहीं उसके रिश्तेदार का घर जी पिस्टल के साथ पिस्टल थाने पे जमा। 7 बजे के आसपास गोरखनाथ थाना क्षेत्र के नूरी मस्जिद इलाके में 2 व्यक्तियों में फेसबुक कमेंट को लेकर आपस में मारपीट की गई जिसमें टीपू खान द्वारा फायरिंग की सूचना दी गई। डायल 100 पुलिस को पहुंची वहां मौके पर। वहीं आरोपित व्यक्ति जो आज़ाद अहमद है उसने भी थाने में सूचना दी। फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपित को गिरफ्तार करके चोटिल कंडीशन में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं पर ही एक पीड़ित पक्ष द्वारा भी एक पिस्टल भी मौके पर दिया गया। प्रथम दृष्टया ये फायरिंग की सूचना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। दोनों पक्षों को बात करके मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है।
और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।